वेलकम बैक। इफ ए प्लान, पुराने वाले में ले चलते हैं। इफ ए प्लान और मेथड इज मिसकंसीव्ड, इट इज नॉट द राइट वन फॉर डीलिंग विद ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। देखो, कंसीव्ड वर्ड को समझते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कंसीव्ड वर्ड। कंसीव मतलब गर्भ धारण करना भी होता है, गर्भ धारण करना, और मन में बैठा लेना भी होता है, मन में बैठा। तो आप देखिए, इफ ए प्लान और मेथड इज मिसकंसीव्ड, अगर किसी योजना को मिसकंसीव्ड की जाती है तो मतलब गलत तरीके से धारण कर ली जाती है, गलत तरीके से मन में बैठा ली जाती है, मतलब इट इज नॉट द राइट वन फॉर डीलिंग विद ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब यह सही नहीं है किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए और स्थिति को संभालने के लिए। ए मिसक्रिएंट इज वन हु हैज डन समथिंग इलीगल और बिहेव्ड बैडली। देखो, मिसक्रिएंट का एग्जैक्ट मतलब होता है उपद्रवी। इसका मतलब क्या होता है? उपद्रवी। ए मिसक्रिएंट इज वन, एक मिसक्रिएंट वह व्यक्ति होता है, उपद्रवी वह व्यक्ति होता है, who has done something wrong, who has done something illegal, illegal मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी। तो वह ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलत काम कर रखा है, गैर कानूनी काम कर रखा है, या behaved badly, जिसने बुरी तरीके से व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है। A misdemeanor, चलिए misdemeanor समझते हैं, इज एन एक्ट दैट सम पीपल कंसीडर टू बी रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल। मिसडिमिनोर मतलब होता है गलत भाव, गलत व्यवहार भी कह सकते हो, व्यवहार या गलत अवभाव। तो देखो, मिसडिमिनोर, डिमिनोर मतलब होता है चेहरे का या रूपरेखा या विचार देना, विचार, ये सब होता है डिमिनोर। डिमिनोर मतलब होता है, और तो मिस लग गया तो उल्टा बन गया, तो मिस डिमिन्योर मतलब हो गया ऐसा काम, इज एन एक्ट ऐसा काम दैट सम पीपल कंसीडर टू बी रॉन्ग, जिसे कुछ लोग गलत मानते हैं। कंसीडर मतलब क्या होता है? मानना। कंसीडर मींस मानना, पहले भी लिख चुके हैं। टू बी रॉन्ग गलत मानते हैं, और अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार। इफ ए गन मिस फायर्स, फायर मतलब होता है गोली चलाना, चलना, और मिस फायर मतलब चूक जाना, मतलब गोली चुक जाना, चुक जाना किसका? गोली का। तो इफ ए गन, अगर कोई बंदूक मिस फायर्स करता है, मतलब गोली चलाता है, उसे चुक जाता है, द बुलेट, बुलेट गोली को बोलते हैं, बंदूक के गोली को क्या बोलते हैं? बुलेट। द बुलेट इज नॉट सेंट आउट, बुलेट इस तरह से नहीं जाती है, एज इट शुड बी, जैसा इसे जाना चाहिए, वेन द गन इज फायर्ड, जब बंदूक को चलाया जाता है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार, इफ ए प्लान मिस फायर्स, अगर योजना मिस फायर्स हो आती है, मतलब गलत तरीके से इंप्लीमेंट हुआती है, गलत तरीके से लागू होती है, इट गोज रॉन्ग, या गलत हो जाती है, एंड डज नॉट गिव द इंटेंडेड रिजल्ट, या यह मनचाहा परिणाम नहीं देती है। अब देखो, एक मिसैप, मिसैप बोलते हैं दुर्घटना को, मिसैप बोलते हैं दुर्घटना को। ए मिसैप इज एन अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब होता है अनलक्की, जो भाग्यशाली नहीं हो, इवेंट, इवेंट मीन्स घटना। ए मिसैप इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, एक मिसैप जो होती है, एक दुर्घटना जो होती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। तो अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या हो गया? दुर्भाग्यपूर्ण, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, बट नॉट वेरी सीरियस, लेकिन बहुत गंभीर नहीं होती है। इफ यू आर मिसलेड, इफ यू आर मिसलेड, देखो लीड का भी थ्री हो गया लेड, इसमें लग गया मिस, तो मिसलेड मतलब क्या होता है? गुमराह किया जाना, गुमराह, यहां पैसिव यूज किया गया है, इसलिए लिखते हैं किया जाना। तो कहते इफ यू आर मिसलेड, अगर आपको मिसलेड किया जाता है, मतलब आपको गुमराह किया जाता है,
यू आर गिवेन ए रॉन्ग आइडिया और इम्प्रेशन, मतलब आपको गलत विचार दिया जाता है या गलत भाव दिया जाता है, प्रभाव दिया जाता है। इफ ए एंड बी मिस मैच, मैच मतलब मेल खाना और मिस मैच मतलब हो गया मेल न खाना, मेल न खाना। कहता है इफ ए एंड बी मिस मैच, अगर ए और बी मिस मैच करता है, मेल नहीं खाता है, दे डू नॉट गो टूगेदर वेल, मतलब दोनों एक साथ साथ नहीं जा रहा है, मेल नहीं खा रहा है। टू गो वेल यहाँ से फ्रेज है, डू नॉट गो वेल, गो टूगेदर वेल मतलब मेल खाना, इसका भी मतलब वही होता है मेल खाना। ये मिसनोमर, ए मिसनोमर इज अ वर्ड और नेम दैट डिस्क्राइब्स समथिंग रॉन्गली और inaccurately। मिसनोमर एक ऐसा शब्द होता है जो किसी चीज का वर्णन गलत तरीके से या अशुद्ध तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मायो कॉलेज, देखो यह नाम है, ये मायो कॉलेज इज ए मिसनोमर, इट इज एक्चुअली ए स्कूल। देखो नाम में क्या है लिखा हुआ, कॉलेज, लेकिन मायो कॉलेज वास्तव में है क्या, एक स्कूल। तो नाम कुछ और काम कुछ और, तो ऐसे नाम को हम बोलते हैं मिसनोमर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू मिस टाइम समथिंग, देखो टाइम मतलब समय और मिस टाइम यहां भर्ब के रूप में यूज किया गया है, मतलब किसी चीज को गलत समय पर करना, गलत समय पर करना। इफ यू मिस टाइम समथिंग, अगर आप कोई भी चीज को मिस टाइम करते हैं, यू डू इट एट रॉन्ग टाइम, तो आप इसे गलत समय पर करते हैं, सो दैट, जिससे कि इट इज नॉट सक्सेसफुल, यह सफल नहीं होता है। ए मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब होता है गलत फहमी। ए मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी। अब देखो यहां डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, स्लाइट क्वारल, स्लाइट मतलब थोड़ा, क्वारल मींस झगड़ा, स्लाइट से स्लाइटली बनता है, मतलब थोड़ा झगड़ा वाला बात। अकर्स, अकर्स मींस होना, व्हेन यू फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, जब आप एक दूसरे को समझने में असफल होते हैं, झगड़ा कब होता है, जब आप एक दूसरे को समझने में असफल होते हैं। इफ यू मिस यूज समथिंग, अगर आप किसी चीज को मिस यूज करते हैं, यूज मतलब प्रयोग करना, मिस यूज मतलब दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करना। यू यूज इट इनकरेक्टली मतलब आप इसे अशुद्ध तरीके से, गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, केयरलेसली लापरवाही से, लापरवाही से करना, और डिसऑनेस्टली या बेईमानी से करना। दिस गवर्नमेंट हैज डन नथिंग टू मिटिगेट द इविल्स ऑफ द प्रीवियस वन, इस सरकार ने, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, किसी चीज के असर को कम करना, कम करना, खास करके असर प्रभाव को। तो दिस गवर्नमेंट हैज डन नथिंग टू मिटिगेट द इविल्स, इविल्स मतलब बुराई, ऑफ द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन मतलब पहले वाला। तो कहता इस सरकार ने पहले वाले सरकार के जो बुराइयां थी उसको कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इफ यू मिटिगेट समथिंग अनप्लीजेंट, अगर आप कोई भी अप्रिय चीज को मिटिगेट करते हैं, अनप्लीजेंट में सप्रिय, अगर आप किसी अप्रिय चीज को मिटिगेट करते हैं, यू मेक इट लेस सीरियस, तो आप इसे कम गंभीर बनाते हैं, यू मेक इट लेस सीरियस, आप इसे कम गंभीर बनाते हैं। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेज आर द फैक्ट्स दैट मेक ए क्राइम लेस सीरियस, मिटिगेटिंग स्थिति, देखो मिटिगेटिंग मतलब क्या, कम करने वाली, और सर्कमस्टांसेज मतलब होता है परिस्थिति, परिस्थिति। तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेज आर द फैक्ट्स, वो तथ्य होते हैं दैट मेक ए क्राइम लेस सीरियस, जिसकी वजह से कोई अपराध कम गंभीर होती है। दे रिजल्ट इन अ लेस सीवियर पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल, जिसका परिणाम होता है कि अपराधी को उसकी वजह से
कम तीक्ष्ण सजा दी जाती है। सीवियर आप पहले पढ़ चुके हैं तीक्ष्ण, और पनिशमेंट मतलब दंड या सजा, तो जिसकी वजह से अपराधी को कम तीक्ष्ण सजा दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नरेश मुंड दैट ही डिड नॉट गेट टाइम फॉर हिज फैमिली। नरेश ने अपना दुख व्यक्त किया। देखो मुंड मतलब होता है कराहना। कराहते आदमी का कोई दर्द हो रहा है, कोई दुख होता है, तब आदमी कराहता है, ठीक है। नरेश मुंड दैट ही डिड नॉट गेट टाइम फॉर हिज फैमिली। नरेश ने दुख व्यक्त करते हुए यह बात कहा कि उसको अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता है। मोन इज ए सॉफ्ट लो साउंड ऑफ पेन और ग्रीफ। कहता है दुख ही, ग्रीफ मतलब दुख, और पेन मींस दर्द। तो कहता है दर्द या दुख के जो किसी को रहता है और वह कराता है, आवाज निकलता है दुख भरे आवाज, तो उसको बोलते हैं मोन। इफ यू मोन, अगर आप मोन करते हैं, यू स्पीक इन अ वे, आप इस तरह से बोलते हैं, विच शोज, जो दर्शाता है, दैट यू आर वेरी अनहैप्पी, कि आप बहुत नाखुश है। नरेश फ्रेंड्स इन द ऑफिस मॉक्ड एट हिज कंसर्न फॉर हिज फैमिली। देखो मॉक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। एट हिज कंसर्न, कंसर्न मीन्स यहां हो गया चिंता, चिंता या फिकर फॉर हिज फैमिली। नरेश के दोस्त लोग जो है उसके अपने परिवार के बारे में इतनी चिंता करता है वो, इसलिए ऑफिस के जो दोस्त है वो ऑफिस में क्या करता है, उसका मजाक उड़ाता है। दैट इज, अर्थात दे मेक फन ऑफ हिज कंसर्न फॉर द फैमिली। वो जो परिवार के प्रति चिंतित है इस बात का वो लोग मजाक उड़ाता है। अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्रेज है, आप याद कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के अनुसार, केयरिंग टू मच फॉर द फैमिली वॉज स्टूपिड। उन लोगों के अनुसार परिवार का ज्यादा ख्याल रखना, परिवार पे ज्यादा टेंशन लेना बेवकूफी है, स्टूपिड है। द फ्रेंड्स बिलीव, उनके दोस्तों का मानना है, इन बोस्टिंग ऑफ, यहाँ फ्रेज है, बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, डिंग हाँकना। द फ्रेंड्स बिलीव्ड इन बोस्टिंग ऑफ देयर सक्सेस, उनके दोस्त लोग अपनी सफलता का डिंग हाँकते हैं। नरेश ऑन द अदर हैंड, नरेश दूसरी तरफ वाज मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब होता है शर्मीला, वाज अबाउट इट, जबकि मोडेस्ट अपने परिवार के बारे में बात करके शर्मा जाता था, वो थोड़ा लजालू था। वन हु इज मोडेस्ट डज नॉट टॉक मच अबाउट वंस एबिलिटीज। जो व्यक्ति मोडेस्ट होता है वो अपने क्षमता के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, अचीवमेंट कामयाबी के बारे में बात नहीं करता है, पोसेशंस अपने सामान अपनी चीज जो है उसके पास, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए मोल हिल इज ए स्मॉल पाइल ऑफ अर्थ मेड बाय, ए मोल डिगिंग अंडरग्राउंड। देखो मोल हिल क्या होता है, ए मोल हिल इज ए पाइल ऑफ अर्थ। देखो मोल मतलब छुछुंदर होता है, और अगर आपने छुछुंदर को कभी बिल बनाते हुए देखोगे तो वो क्या करता है, अपने बिल के पास में एक मिट्टी का ढेर लगा देता है, खोद खोद करके मिट्टी का ढेर लगा दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोल हिल। ए मोल हिल छोटा सा मिट्टी का ढेर हो गया। ए मोल हिल इज ए पाइल, स्मॉल पाइल, पाइल मतलब भी ढेर, पाइल किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। ए मोल हिल, ए मोल हिल इज ए पाइल ऑफ अर्थ, अर्थ यहां मिट्टी से है, अर्थ का मतलब मिट्टी, मेड बाई ए मोल, मोल मतलब छुछुंदर, छुछुंदर। डिगिंग अंडरग्राउंड मतलब जमीन के, धरती के अंदर, डिग मतलब खोद कर, खोदना होता है।
हाउ टाइनी इट इज, ये बहुत, ये कितना छोटा है व्हेन कंपेयर टू ए माउंटेन, जब आप इसको अगर पर्वत पहाड़, माउंटेन मीन्स पहाड़ या पर्वत, अगर पहाड़ या पर्वत से आप तुलना करते हैं तो कितना छोटा है। इफ यू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, अगर आप किसी मोल हिल को पहाड़ बना दो, मतलब क्या, यू मेक एन अनइम्पोर्टेंट फैक्ट और डिफिकल्टी सीम लाइक ए सीरियस वन, मतलब कोई कम महत्वपूर्ण चीज या कम परेशानी वाला चीज है और उसको आप ऐसा बना दिए जैसे कि बहुत गंभीर हो, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप उसने बना दिया बहुत गंभीर। द प्रेस ऑफन मेक्स ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, प्रेस जो होता है ना अक्सर वो क्या करता है, छोटी सी बात को भी बड़े रूप में पेश कर देता है, बात का पतंगर बना देता है। माइकलसन हैड ओनली टॉक टू द गर्ल, माइकलसन ने केवल लड़की से बात की थी, बट द न्यूज पेपर्स रिपोर्टेड दैट ही हैड मोलेस्टेड हर, मोलेस्टेड मतलब होता है उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब क्या होता है, किसी को छेड़ करके तंग करना। कहता है माइकलसन हैड ओनली टॉक टू द गर्ल, माइकलसन ने केवल लड़की से बात किया था, बट द न्यूज पेपर्स, लेकिन अखबार वालों ने रिपोर्टेड दैट ही हैड मोलेस्टेड हर, कि उसने उसे छेड़ा था, उसका उत्पीड़न किया था। दैट इज अर्थात ही हैड इंटरफेयर्ड विथ हर इन अ सेक्सुअल वे अगेंस्ट हर विल, विल मतलब चाह, अर्थात उसके इच्छा के विरुद्ध उसे उसके उसे सेक्सुअल वे में दखल दिया था, मतलब उसको छेड़ने की कोशिश किया था, परेशान करने की कोशिश किया था। सो दैट इज कॉल्ड मोलेस्टेड, उत्पीड़न। इवन ज्वेलरी कुड नॉट मोलिफाई हिज एंग्री वाइफ, मोलिफाई मतलब होता है शांत करना। कहता यहां तक कि गहना भी उसके गुस्से, उसके पत्नी के गुस्से को शांत नहीं कर पाया। इफ यू मोलिफाई समवन, अगर आप किसी को मोलिफाई करते हैं, यू डू और से समथिंग टू मेक हिम और हर लेस अपसेट और एंग्री, आप अगर किसी व्यक्ति को कोई मोलिफाई करते हैं, मतलब आप कोई व्यक्ति है उसे कम गुस्सा दिलाते हैं या कम परेशान करते हैं। हिज वाइफ वुड गेट एंग्री एवरी नाउ एंड देन, उसकी पत्नी हर छोटी छोटी बातें अक्सर, नाउ एंड देन प्रेजर, नाउ एंड देन का मतलब होता है अक्सर। उसकी पत्नी हर छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाती है, गुस्सा जाती है। परहैप्स शायद सी हैड बीन मोली कॉडल्ड बाय हर पेरेंट, मतलब कि ज्यादा दुलार मिलना, दुलार मिलना, दुलार प्यार ज्यादा मिलता है तो नहीं कहता, बिगड़ जाता है। शायद उसके माता पिता के द्वारा उसे ज्यादा ही दुलार प्यार मिला था, ज्यादा ही देखभाल किया गया था, ज्यादा ही केयर किया गया था। इफ यू मोली कॉडल समवन, अगर आप किसी को मोली कॉडल करते हो, यू टेक टू मच केयर ऑफ हिम और हर, मतलब आप उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यू प्रोटेक्ट हिम, आप उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं और हर टू मच, बहुत ज्यादा, फ्रॉम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, अप्रिय तजुर्बों से, अप्रिय चीजों से। यू डू नॉट लेट हिम और हर एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, आप उसे परेशानी में नहीं पड़ने देते हैं, परेशानी का अनुभव नहीं होने देते हैं, इवन फॉर ए मोमेंट, यहां तक कि एक क्षण के लिए भी। यहां इसका मतलब क्या होता है, क्षण, ए वेरी, क्षण का मतलब क्या हुआ, ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम काल के लिए भी। दैट विच इज मोमेंट्री, जो चीज मोमेंट्री होता है, मतलब अल्पकालीन, लेट मी सी, दैट विच इज मोमेंट्री, जो मोमेंट्री होता है मतलब अल्प काल के लिए होता है, लास्ट, लास्ट मतलब टिकना, पहले भी कई बार आ गया है, टिकना, चलना, ओनली फॉर ए मोमेंट, वो केवल एक क्षण के लिए चलता है। नोट द डिफरेंस फ्रॉम मोमेंटस, देखो मोमेंट्री और मोमेंटस में अंतर होता है। देखो मोमेंटस क्या होता है,
ए मोमेंटस डिसीजन इवेंट और चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स दैट इट विल हैव इन फ्यूचर। मोमेंटस मतलब हो गया महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कोई भी अगर डिसीजन, निर्णय मोमेंटस है, महत्वपूर्ण है, इवेंट है, घटना है, और कोई परिवर्तन महत्वपूर्ण है, मोमेंटस है मतलब बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बाद में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो चलिए एक बार पूरा इसको पढ़ करके अर्थ लगाते हैं। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। इफ ए प्लान और मेथड इज मिसकंसीव्ड, अगर कोई योजना या प्लान मिसकंसीव्ड होती है, इट इज नॉट राइट वन फॉर डीलिंग विथ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन, मतलब कि यह सही चीज नहीं है किसी खास समस्या या स्थिति से निपटने के लिए। ए मिसक्रिएंट इज वन हु हैज डन समथिंग इलीगल और बिहेव्ड बैडली। एक मिसक्रिएंट वह व्यक्ति होता है जिसने कुछ गैर कानूनी काम किया है या गलत तरीके से व्यवहार किया है। ए मिस डेम्योर इज एन एक्ट दैट सम पीपल कंसीडर टू बी रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल। मिस डेम्योर ऐसा क्रियाकलाप होता है जिसे कुछ लोग गलत या अस्वीकार समझते हैं। इफ ए गन मिसफायर्स, अगर कोई गन मिसफायर्स करता है, अर्थात द बुलेट इज नॉट सेंट आउट एज इट शुड बी When the gun is fired, अर्थात जब बंदूक चलाया जाता है तो गोली जहां जाना चाहिए या जिस तरह से फायर किया जाना चाहिए उस तरह से नहीं किया गया है। Similarly, ठीक उसी प्रकार से इफ ए प्लान misfires, अगर कोई योजना misfires हो आती है, it goes wrong या गलत हो आती है and does not give the intended results, और यह जैसा रिजल्ट चाहा गया था वैसा नहीं देता है। A mishap is an unfortunate event, एक mishap तो दुर्घटना, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, बट नॉट वेरी सीरियस, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है। इफ यू आर मिसलेड, अगर आप मिसलेड किए जाते हो, मतलब आपको गुमराह किया जाता है, यू आर गिवन ए रॉन्ग आइडिया और इंप्रेशन, मतलब आपको गलत विचार दिया जाता है, गलत आपके मन में कोई बात बैठा दिया जाता है। इफ ए एंड बी मिसमैच, अगर ए एवं बी मिसमैच करता है, मतलब मैच नहीं खाता है, दे डू नॉट गो टूगेदर वेल, मतलब दोनों मेल नहीं खाता है अच्छी तरह से। A misnomer is a word or name that describes something wrongly or inaccurately. Misnomer कोई ऐसा शब्द होता है, कोई ऐसा नाम होता है जो किसी चीज को गलत तरीके से या सही तरीके से नहीं वर्णन करता है। For example, उदाहरण के तौर पे मायो कॉलेज, मायो कॉलेज सुनने में लगता है कि जैसे किसी कॉलेज का नाम होगा, इज ए misnomer, जबकि यह एक misnomer है। क्यों? क्योंकि इट इज एक्चुअली ए स्कूल, वास्तव में यह क्या है, एक स्कूल है। If you mistime something, अगर किसी चीज को mistime करते हैं आप, मतलब कि you do it at the wrong time, अर्थात आप गलत time पे करते हैं, so that it is not successful, जिसकी वजह से यह सफल नहीं होता है। A misunderstanding occurs when you fail to understand each other. किसी व्यक्ति के बीच में गलत फहमी कब होती है, जब आप किसी एक दूसरे को समझने में आप असफल रहते हैं, fail to, असफल होना। If you misuse something, अगर आप किसी चीज को misuse करते हैं, मतलब कि दुरुपयोग करते हैं, you use it incorrectly, मतलब आप इसे गलत तरीके से प्रयोग में लाते हैं, carelessly, लापरवाही से प्रयोग में लाते हैं, और dishonestly, मतलब बेईमानी भरे तरीके से इसको प्रयोग में लाते हैं। This government has done nothing to mitigate the evils of the previous ones. यह सरकार, पहले वाली सरकार के बुराइयों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है। इफ यू मिटिगेट समथिंग अनप्लीजेंट, अगर आप किसी अप्रिय चीजों को मिटिगेट करते हैं, यू मेक इट लेस सीरियस, आप इसे कम गंभीर बनाते हैं। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आर द फैक्ट्स दैट मेक ए क्राइम लेस सीरियस। कोई भी अगर तथ्य के लिए आप कहते हैं कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेज है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई अपराध कम गंभीर बन जाता है, दे रिजल्ट इन ए लेस सीवियर पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल, जिसकी वजह से अपराधियों पर कम सजा मिलती है, या सजा में कटौती कर दी जाती है, या कम हार्श सजा दी जाती है।
जैसे मान लो कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसने अपने बचाव में हत्या की, तो अगर सीधा हत्या किया रहता तो क्या होता, उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलता, लेकिन अपने बचाव में चूंकि हत्या किया है तो ये क्या हो गया, उसके लिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेज हो गया। चलिए अब बात करते हैं, नरेश मोन्ड दैट ही डिड नॉट गेट टाइम फॉर हिज फैमिली। नरेश ने बड़े करवाहट वाले मतलब दुख भरे स्वर में कहा कि उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। मून इज ए सॉफ्ट लो साउंड ऑफ पेन और ग्रीफ। मून जो होता है दुख या दर्द के हल्की साउंड होती है, हल्की आवाज होती है। इफ यू मून, अगर आप मून करते कराते हैं, यू स्पीक इन अ वे विच शोज दैट यू आर वेरी अनहैप्पी, तो आप इस तरह से बोलते हैं जैसे कि आप बहुत नाखुश हो। नरेश फ्रेंड इज इन द ऑफिस मोक्ड एट हिज कंसर्न फॉर हिज फैमिली। नरेश के दोस्त लोग ऑफिस में उस पर मजाक उड़ाते हैं, उसके अपने परिवार के लेकर के इतना चिंता दिखाता है तो। दैट इज अर्थात दे मेड फन ऑफ हिज कंसर्न फॉर द फैमिली, अर्थात वे लोग उसके परिवार के चिंता के ऊपर उसका मजाक उड़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के अनुसार, केयरिंग टू मच फॉर द फैमिली वॉज स्टूपिड, कि परिवार के प्रति ज्यादा फिक्रमंद होना बेवकूफी है। द फ्रेंड्स बिलीव्ड इन बोस्टिंग ऑफ देयर सक्सेसेज, उसके दोस्त लोग अपने सफलता पर डिंग हाँकने में विश्वास करते हैं। नरेश ऑन द अदर हैंड, जबकि नरेश दूसरी तरफ वाज मॉडेस्ट अबाउट इट, उसे डिंग हाँकने में अच्छा नहीं लगता है, वो अपनी सफलता के बारे में बात करना अच्छा नहीं पसंद करता है। वन हु इज मॉडेस्ट, कोई व्यक्ति जो मॉडेस्ट होता है, शर्मिला होता है, लजालू होता है, डज नॉट टॉक मच अबाउट वन्स एबिलिटी अचीवमेंट्स और पोसेशंस, तो वह व्यक्ति अपनी क्षमता के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में, अपने समान उमान के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता है या बात नहीं करता है। ए मोल हिल इज ए स्मॉल पाइल ऑफ अर्थ मेड बाई ए मोल डिगिंग अंडरग्राउंड। मोल हिल छोटे से मिट्टी के ढेर को कहते हैं जो खास करके सुंदर धरती में बिल बनाते वक्त मिट्टी निकाल करके बाहर बना देता है। हाउ टाइनी इट इज व्हेन कंपेयर टू ए माउंटेन, अगर आप मिट्टी के ढेर जो सुंदर के द्वारा बनाया गया है उसकी तुलना अगर आप पर्वत से करें, पहाड़ से करें, तो कितना छोटा है। इफ यू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, यू मेक एन अनइम्पोर्टेंट फैक्ट और डिफिकल्टी सीम लाइक ए सीरियस वन। कहता है कि अगर आप राई के पहाड़ बना देते हैं, देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है राई का पहाड़ बनाना, मतलब क्या, कोई चीज कम महत्वपूर्ण है, कम परेशानी वाला है, आप ऐसा बना दीजिए जैसे बहुत गंभीर मुद्दा है। द प्रेस ऑफन मेक्स ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। प्रेस जो है, अखबार वाला जो है, अक्सर क्या करता है कि छोटी चीजों को पहाड़ बना देता है। माइकलसन हैड ओनली टॉक टू द गर्ल, माइकलसन ने केवल लड़की से बात किया था, बट द न्यूज पेपर्स रिपोर्टेड दैट ही हैड मोलेस्टेड हर, लेकिन अखबार में ये छाप दिया कि उसने, माइकलसन ने क्या किया, उस लड़की का उत्पीड़न किया। दैट इज अर्थात ही हैड इंटरफेयर्ड विथ हर इन अ सेक्सुअल वे अगेंस्ट हर विल, अर्थात उसने उसके साथ उसके इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल तरीके से छेड़ा उसको। इवन ज्वेलरी कुड नॉट मॉलिफाई हिज एंग्री वाइफ, यहां तक कि गहना भी उसके गुस्से में जो पत्नी थी उसको शांत नहीं कर सका। इफ यू मॉलिफाई समोन, अगर आप किसी को मॉलिफाई करते हैं, यू डू और से समथिंग, आप कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं टू मेक हिम और हर लेस अपसेट और एंग्री, ताकि वो कम परेशान हो, कम गुस्से में आए। हिज वाइफ वुड गेट एंग्री एवरी नाउ एंड देन, उसकी पत्नी अक्सर गुस्से में आ जाती थी। पर हैप्स शायद सी हैड बीन मोलिकॉडल्ड हर बाई हर पेरेंट्स, शायद उसके माता पिता के द्वारा उसको कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार दिया गया था। इफ यू मोलिकॉडल समवन, अगर आप किसी व्यक्ति को मोलिकॉडल करते हैं, यू टेक टू मच केयर ऑफ हिम और हर, अर्थात आप उसका जरूरत से ज्यादा ही उसका परवाह करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। You protect him or her too much from unpleasant experiences, आप उसको दुखद स्थितियों से बहुत ही ज्यादा बचा कर रखते हैं, दूर रखते हैं। You do not let him or her experience difficulty even for a moment, आप उसे एक क्षण के लिए भी किसी दुख का सामना नहीं करने देते हैं। Moment का मतलब क्या होता है, इन्हें short period of time, मतलब कि थोड़े काल के लिए भी, अल्पकाल के लिए भी। That which is momentary
लास्ट ओनली फॉर ए मोमेंट, जो चीज मोमेंट्री होता है, क्षणिक होता है, वो केवल कुछ ही देर के लिए रहता है। नोट द डिफरेंस फ्रॉम मोमेंटस। देखो मोमेंट्री मतलब क्षणिक होता है, जबकि मोमेंटस मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ए मोमेंटस डिसीजन, कोई निर्णय है या इवेंट है, घटना है या चेंज है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स, क्योंकि या अपने प्रभाव के कारण, दैट इट विल हैव इन द फ्यूचर, जो हमें भविष्य में दिखेगा। तो कोई भी चीज मोमेंटस है मतलब इसका परिणाम भविष्य में दिखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो मोमेंटस कहेंगे। कोई चीज क्षण भर के लिए होने वाली है तो उसके लिए हम मोमेंट्री कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।